जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। आप वोट देते हैं जात के नाम पर, आप वोट देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप वोट देते हैं राम मंदिर के लिए, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, आप वोट देते हैं सिलेंडर के लिए, आप वोट देते हैं 500 रुपया के लिए, आप वोट देते हैं मुर्गा भात खाने के लिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। 24 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है। अब ऐसे में आईपैक कंपनी के मालिक, एक तरीके से कह ले प्रशांत किशोर जो हैं, इन दिनों जन सुराज के जो यात्रा पर हैं और लोगों से भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अब आपको बता दें, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं वो महिलाओं से, गांव की महिलाओं से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वोट देने का समय आता है तब आप जो वोट है वो सिलेंडर पर, सब्जियों पर और उसके बाद से ऐसी तमाम मुद्दों पर वोट दे देते हैं, लेकिन उस वोट का क्या जो वोट आप शिक्षा के नाम पर नहीं देते हैं। वो महिलाओं से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप वोट के समय आप जब कितने लोगों ने शिक्षा के नाम पर वोट दिया है, ये महिलाओं से पूछ रहे हैं, पुरुषों से पूछ रहे हैं, वो एक गांव में पहुंचे थे। अब ऐसे में जब महिलाओं से वो ये पूछते हैं तो कोई भी महिला हाथ नहीं खड़ा कर पाती हैं। सबको यही लगता है भैया कि सब लोग जो है वो शिक्षा के नाम पे वोट नहीं करता है, और कहीं ना कहीं बात जो है वो वीडियो में साफ साफ तौर पर दिखी भी। बाकी प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। सब लोग सोच कर बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। सबको बताना है पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है। जो दिया है तो बताइए, किसी ने नहीं दिया, यही आपके दुर्दशा का कारण है। अभी आपने बताया, हमने नहीं, आपने बताया कि बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि आपके गांव में फैक्ट्री खुल जाए तो आपके घर के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। आप वोट देते हैं जात के नाम पर, आप वोट देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप वोट देते हैं राम मंदिर के लिए, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, आप वोट देते हैं सिलेंडर के लिए, आप वोट देते हैं 500 रुपया के लिए, आप वोट देते हैं मुर्गा भात खाने के लिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे, नहीं सुधर सकता। तो भी आपने सुना प्रशांत किशोर किस तरीके से शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा को लेकर महिलाओं में इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं किस तरीके से इसमें लोगों को सचेत होना चाहिए और आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा से संबंधित जो राजनेता हैं, जो इस विषय पर बात करते हों, उनको वोट देना चाहिए। और उसके बाद वो साफ साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पास ताला है और आप चाबी लगाइएगा ही नहीं तो खुलेगा कैसे। किस तरीके से फैक्ट्री की उन्होंने बात करी तो आपको हमने वीडियो में सुनवाया। फिलहाल 24 और 25 में चुनाव है, ये तमाम वादे आएंगे, अब देखना ये होगा कि इन वादों का क्या होता है चुनाव के बाद। फिलहाल आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बिहार संवाददाता के साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।